ज्ञान तुम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमिन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे बहन भाइयों, सत्संग प्रेमीजनों, श्रोतागणों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत गीता के सत्संग समारोह में। धन्य है आप, आपका ये मनुष्य जीवन अवश्य सफल होगा भगवान की कृपा से। श्रद्धाई एक ऐसी वस्तु है जो भगवान से मिलाती है। आपके हृदय में सत्संग के प्रति अटूट श्रद्धा है तो अवश्य आपको भगवत प्राप्ति होगी। आइए, तो पिछले सत्संग में जो सब्जेक्ट चल रहा था, विषय चल रहा था ध्यान योग का, ध्यान योगी को किस प्रकार का सुख मिलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, चाल चलन कैसा होता है, इत्यादि बातें। उसमें ही अंत में एक शब्द था अपरिग्रह, जो ध्यान योगी और ज्ञान योगी या भक्ति योगी, ये सभी लोग उन वस्तुओं को नहीं अपनाते, नहीं एक्सेप्ट करते जिन वस्तुओं का संबंध श्री कृष्ण से नहीं हो, उस परमेश्वर से नहीं हो, जिन वस्तुओं को उनकी सेवा में नहीं लाया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, उन वस्तुओं को वो छूते नहीं, नकार देते हैं। इसी को अपरिग्रह कहा है। अपरिग्रही का मतलब ये नहीं कि सब कुछ त्याग करके, कपड़े बदन के खोल करके, एक कॉपिन का टुकड़ा लगा करके और कहीं जंगल में दूर कोई कंदरा में जाके बैठ जाओ, नहीं। ज्ञान योगी को भी भक्ति के बिना सफलता नहीं मिलती है, ध्यान योगी को भी भक्ति के बिना, प्रेम के बिना सफलता नहीं मिलती है। फिर भक्त को तो भक्ति ही सर्व श्रेष्ठ आधार है। जो व्यक्ति एकांत में जाके बैठ जाएगा 20 साल 30 साल जीवन भर, वो हो सकता है कि कोई जंगली जानवरों से, पक्षियों से कभी प्रेम दर्शाए, चट्टानों से, लेकिन चट्टानों से श्रेष्ठ ये मनुष्य है। तो मनुष्यों के संपर्क में रहते हुए ही
प्रत्येक हृदय में भगवान को देखते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए, सभी को प्रेम करते हुए अपना ध्यान साधना करे। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में शांत स्थान मिलना मुश्किल होता है शहरों के बीच में, इसलिए थोड़ा एकांत चाहिए। इसी बात को देखते हुए ये संत महाराज मना करते हैं, ये ध्यान योग के लिए कलयुग में स्पेशली ऐसे कलह पूर्ण युग में समय में, क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस बहुत आता है, फिर मन भी स्थिर होना बड़ी बात है। इसलिए श्रेष्ठ शब्द शास्त्रों में, उपनिषदों में यही है कि हरि का भजन करो, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरि का नाम से ही आपका कल्याण होगा, और कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। मधुरम मधुरेभ्यो अपि पावनेभ्यो अपि पावनम, मंगलेभ्यो अपि मंगलम, हरेर नाम एव केवलम। हरि का नाम मंगल कर्ताओं में सबसे श्रेष्ठ मंगलकारी है, पवित्रों में अति पवित्र है, और मधुर में अति मधुर है। काचायां विस्मृतम रत्नम। अरे मूर्ख मन, तू कांच के टुकड़ों के बदले में असली हीरे को, रत्नों को छोड़ देता है, और वो रत्न क्या है? हरेर नाम एव केवलम, हरेर नाम एव केवलम। निश्वासा नहीं विश्वासा, कभी रुद्यो भविष्यति। इन श्वासों का कोई पता नहीं मूर्ख मन, ये भविष्य में कभी भी रुक सकती हैं। आ ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र सर्वमायामयम जगत, चींटी से लेकर के और ब्रह्मा जी तक, ये समस्त संसार एक भ्रम मात्र है, दृश्यमान है, और जो दृश्यमान है वो नष्ट भी होता है। आज दिखाई दे रहा है, कल नहीं दिखाई दे रहा था, और कल आने वाले कल में भी दिखाई नहीं देगा। इसकी भी प्रलय हो जाती है, ब्रह्मलोक की भी प्रलय हो जाती है, चींटी की भी प्रलय हो जाती है, सभी की। मधुरम मधुरेभ्यो अपि पावनेभ्यो अपि पावनम, मंगलेभ्यो अपि मंगलम, हरेर नाम एव केवलम। एकमात्र हरि का नाम मधुर तम है, मंगल कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है, मंगलकारी है, और पवित्रों में अति पवित्रता प्रदान कराने वाला है। कहिए कि हरि नाम का उच्चारण करने से, जप करने से, कीर्तन करने से मनुष्य के तमाम पाप जल के राख हो जाते हैं, और मनुष्य की आत्मा मन बुद्धि निखर के परम पवित्रता को प्राप्त कर लेती है। इससे बड़ा लाभ क्या होगा जीवन में? करने में भी सरल है, देश और नियम समय का कोई नियम नहीं है,
किसी भी समय किसी भी देश में स्थान में भगवान का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये पद्धति ध्यान योग की है। जिस किसी की रुचि और दृढ़ श्रद्धा ध्यान योग में हो तो भगवान ने जो बतलाए उन नियमों के अनुसार ऐसा करे। लेकिन अर्जुन के मार्ग में तो ये ध्यान योग बड़ा दुष्कर काम है। इसके लिए अर्जुन एक जगह चल करके आगे चल करके भगवान से कुछ प्रश्न करेंगे, उनके मन में संदेह प्रकट होगा। अर्जुन का प्रश्न तो यही होगा कि हे कृष्ण, आपने जितने भी ध्यान करने के नियम बतलाए सो तो ठीक है, लेकिन जो मुख्य बात है मन को अचल स्थिर करने की, एक ही जगह पर अपनी आत्मा पर, जो आत्मरियलाइजेशन हो जाए तब आत्मा परमात्मा को स्पर्श कर पाती है। लेकिन मन तो बड़ा चंचल है कृष्ण। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन तो अति चंचल है, ये तो बलपूर्वक छुड़ा छुड़ा के भागता है, इसे रोकने की चेष्टा करो तो ये रुकता थोड़ी है एक जगह पर और दूर दूर भागता है। जैसे किसी बंदर को आप गले में रस्सी डालने की कोशिश करो तो बंदर आपके नजदीक आएगा नहीं, आप जितना तेज भागोगे उससे चार गुना तेज भागेगा, उछलेगा, जंप मारेगा, वृक्षों में चढ़ेगा। ऐसी ही मन की दशा है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम, ये तो बलपूर्वक हटात ये सब इंद्रियों को उड़ाए ले जाता है संसार की और विषय भोगों में, कि ये कर लो ये कर लो, बैठो एरोप्लेन में, लाओ मर्सिडीज कार, बनाओ 10-20 बंगले, एक लंदन में, एक जर्मनी में, एक अमेरिका में, प्रतिष्ठा पाओ, पद पाओ। क्यों केवल मनमोहन सिंह जी ही प्रधानमंत्री हैं? क्यों नहीं हम हो सकते? हमको भी देश का नेता बनना है, हमको भी बड़ा बनना है। तो ये मन तो छलांगें भरता है, इसको कैसे वश में करूं? जैसे वेगवती वायु को रोकना असंभव है, ठीक वैसे ही इस मन को भी रोकना हे कृष्ण बड़ा असंभव है। अर्जुन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग सखा और शिष्य, परम शिष्य, फिर इस संसार में भटके हुए लोगों के लिए ये ध्यान मार्ग सभी को तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन जिस किसी की रुचि ऐसी हो कि नहीं मैं तो ध्यान मार्ग से ही खोजूंगा, मेरे शरीर में भी ताकत है, मैं स्थिरता से बैठ भी सकता हूं और मन को रोकने का नियति पूर्वक सदात्मानं सद, यानी सच्चाई के ऊपर आपकी इंद्रियां और मन और बुद्धि चित्त के विचार सब सद होने चाहिए, सद शुद्ध सदात्मानं। तब जाके आसन की साधना होती है। यम नियम से आगे बढ़ करके आसन लगाना पड़ता है। तो यदि कोई ध्यान करने में सफलता पा जाए तो अवश्य उसको भी परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ाया है उनको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। गॉड ऑफ किंगडम ही अचीव्ड, नो डाउट। लेकिन आइए हम आगे बढ़ते ही इसी संदर्भ में कि कितना आसान है और कितना करने में कठिन है। प्रणाम कीजिए भगवान को मेरे साथ। ओ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता छठा अध्याय ध्यान योग श्लोक संख्या 11-12। श्री भगवान आच शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नात्युच्छ्रित्तं न अति नीचं च लाजन कुशोत्तरं तत्र काग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जाद् योगम आत्मविशुद्धे। भगवान श्री कृष्ण ने अभी ऐसे ध्यान योगी के लिए, जो ध्यान में जिसकी रुचि है श्रद्धा है, उसके लिए तरीके बताना प्रारंभ किया है। अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये ध्यान योगी भी मेरे में ही मत चित्तो, मैं अपने चित्त को मुझ में स्थिर करता है, मत पढ़ा, मेरे अधीनता में रहता है, जो जैसा मैं कहता हूं वैसे करता है, मुझसे पूछता है, मुझसे सलाह लेता है, मैं उसको प्रेरणा देता हूं, सद्मार्ग दिखलाता हूं। ज्ञान योगी भी मेरा परम भक्त है, मेरा ये आश्रय लेकर के और ज्ञान योग में सिद्धि को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है। फिर कर्म योगी तो मेरे लिए करता है, जो कुछ करता है मेरे लिए करता है, खाता है पीता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेयो तद कुरु स्वमदार्पणम्। मेरे भक्त के तो सारे कार्य मेरे लिए होते हैं, वो देश का शासक भी बनता है तो शासन मेरी आज्ञा के अधीनता में करता है, मुझे समक्ष सामने रखकर करता है, मुझसे प्रेरणा लेता है। इसलिए हे अर्जुन, यह सबसे सरल है कि तू मेरी आज्ञा का पालन कर। तू ये युद्ध तेरी विजय के लिए नहीं, तेरी वीरता दर्शाने के लिए नहीं, तेरे भाई को राजा बनाने के लिए नहीं, ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं, एकमात्र मेरी प्रसन्नता के लिए ये युद्ध कर। इन आताताइयों को मैं मारना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं, इनके अहंकार को, इनका क्या बिगड़ेगा, इनका अहंकार बिगड़ेगा, इन शरीरों के ऊपर इनको बड़ा अहंकार है। कोई कहता है मुझे 10,000 हाथी का मेरे अंदर बल है, कोई कहता है 1,000 हाथी का बल है, कोई कहता है मैं कौरव और पांडव का आश्रय टीचर हूं, अस्त्र शस्त्र विद्या का आचार्य हूं, कोई कहता है मैं ब्रह्मास्त्र चलाना जानता हूं, मैं अश्वत्थामा हूं, मैं दुर्योधन जैसे अनीति वान व्यक्ति का साथ दूंगा,
दुर्योधन ने अपने भाइयों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया था। क्यों? दोनों भाई थे, एक तरफ कौरव के धृतराष्ट्र के बेटे, एक तरफ पांडु के बेटे, उनके बीच में आधा आधा राज होना चाहिए, बटना चाहिए। जहां दो भाई होते हैं वहां प्रत्येक वस्तु का आधा आधा विभाजन होना चाहिए। इसमें तो किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और यदि किसी भाई के मन में थोड़ी ग्रीड व्याप्त हो जाए और अपने दूसरे भाई को कुछ कम देना चाहे, तो कम लेने वाले भाई को तसल्ली कर लेनी चाहिए। लेकिन पांडवों को तो एक नौक, ये तो राजधानी के अंदर से नहीं अपनी रियासत के अंदर से काला मुंह करके निकाल देना चाहता है दुर्योधन, या फिर मार के खाक कर देना चाहता है दुर्योधन, या फिर जहर पिला के नष्ट कर देना चाहता है दुर्योधन, या फिर राक्षसगृह में जला करके भस्म कर देना चाहता है मां कुंती को, भगवान की श्रेष्ठ भक्ता और उनके पांचों पुत्रों को। भरी सभा में पटरानी द्रौपदी की नग्नता सभी के सामने है। दुशासन भरी सभा में, राजाओं की सभा में एक पटरानी को नग्न कर रहा है और सब नीचे को मस्तक किए हुए बैठे। ये भीष्म पितामह जिसने हस्तिनापुर की सुरक्षा का भार अपने कंधे पर ले रखा है मूर्खतावश। सुरक्षा तो भगवान करता है सबकी, भीष्म पितामह कैसे सुरक्षा कर सकता है? ये सब अहंकार अज्ञानतावश। फिर सुरक्षा किसकी करे ये भी ज्ञान नहीं। जो राजा अंधा है, काम क्रोध से भरा है, मद मोह से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, उसके पुत्र भी अनीतियों से भरे हैं, दुराचारों से भरे हैं, ऐसे शासक की और उनके राज पुत्रों की रक्षा का भार भीष्म पितामह है? नहीं, बेशक गंगा पुत्र हो भीष्म पितामह, लेकिन वो भगवान को पूर्ण शरणागत नहीं हुए। भगवान के भक्त हृदय में उनके भगवान की आस्था बहुत थी, कृष्ण जी को बहुत प्रेम और सत्कार करते थे, लेकिन अपने बच्चों के अहंकार से, झूठे अहंकार से वो आतातियों को पक्ष लेने के लिए तुल गए। जब द्रौपदी भरी सभा में नग्न हो रही है, तब यही भीष्म पितामह नीचे को गर्दन हुए बैठे हुए थे। द्रौपदी असहाय पुकारती है, भीष्म पितामह क्या आप भी इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे? ये दुष्ट दुशासन मुझे नग्न किए जा रहा है और आप नतमस्तक होके बैठे हैं। आचार्य देव, कृपाचार्य, ये राजन धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, इनको तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आप लोग तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। किसने दुष्ट दुशासन को, दुर्योधन को नहीं रोका? कर्म ही ठहाका मार के हंसता था। कर्ण ने तो कटु वाक्य भी बोले थे कि द्रौपदी आओ बैठ जाओ मेरे मित्र दुर्योधन की बाम जंगा पर। One is looking for advertising executives in Edison, Philadelphia, Chicago, Washington, D.C., Houston and Dallas in Texas, Los Angeles, San Francisco, San Jose, Bakersfield and Sacramento in California, Atlanta, Boston, Seattle, North Carolina and Florida. So come be a part of our team.
Mail your resume to info@justbroadcasting.com or call us at 718-752-9290. नमस्कार, प्रोग्राम सत्यम शिवम सुंदरम में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं कमलदेव ज्योतिष सम्राट आपके जीवन में सत्यता का प्रभाव और असत्य के अभाव को निकाल देने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताना क्या चाहता हूं, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सुंदरता है क्या? आप उस सुंदरता को आधार लेके सत्य की खोज अपने आप में कर सकते हैं, पर हम करते क्या हैं? हम तो अपने अहम और अहंकार में डूब गए हैं। हम तो अपने आप को उच्च अवस्था में ले जाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर जीवन क्या है? जीवन तो कर्म का आईना, जन्म पत्रिका में सारे का सारा ईश्वर ने लिख के आपके साथ ही जन्म के समय भेज दिया है। उसका एनालिसिस, उसके अंदर क्या है, हमने करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, सारी चीज, सारी बात का समावेश। 33 करोड़ देवी देवते, किसकी पहचान हमको ज्यादा और किसको कम? हमको किस समय किस पूजन अवस्था में जाना चाहिए? हमको साधु संत महात्माओं के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? क्या अपने जीवन में ऐसा योग है कि हम सेवा करें और फल मिले? ये कर्म का आईना दिखलाएगा। हम तो अपने ही और अहम और अहंकार को बहुत मोटा कर रहे हैं। किस बात से कर रहे हैं हम? अपनी शक्ति से, अपनी संपत्ति से? मैं आपके साथ कर्म के आईने के कितने भाग हैं और उस भाग से किस बात का ताल्लुक है उसकी चर्चा कर रहा था। कर्म का आईना 12 भाग। पहला भाग शरीर का, हम कैसे हैं, उसमें कौन सा ग्रह पड़ा है, किस तरह का स्वभाव है अपना। हम अपने स्वभाव को अच्छा बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पर अपने आईने के पहले भाग में हम ये तो देखते ही नहीं वहां ग्रह कौन सा है। वहां चंद्रमा है, आप सॉफ्ट होंगे। वहां मंगल है, आप क्रोधित रहेंगे।